हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल शिबो लोग में। तो आज हम सिंपल सी खिचड़ी बनाने वाले हैं, जो कि वह 1 साल के बेबी से लेकर 5 साल तक के बेबी या बड़े भी इसको खा सकते हैं, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ खास तौर पर, इसलिए मैं मसाले थोड़े कम यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। तो देखते रहिए मेरी वीडियो को लास्ट तक, और पसंद आए तो जल्दी से कर देना लाइक। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे बनाने वाली हूँ एक प्रेशर कुकर में। तो मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून में यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। आप देसी घी भी ले सकते हो, जैसा आपकी मर्जी। तो 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है जीरा। जीरे को अच्छे से तड़कने देना है, और उसके बाद हम डाल लेंगे यहाँ पे प्याज और लहसुन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, जो कि बड़ी बड़ी, मैंने ले ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लाइट ब्राउन होने तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हो चुके हैं हमारे लाइट ब्राउन। तो इसमें मैंने आलू ऐड कर दिए। आलू मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज के लिए है। और अब हम इसमें डाल लेंगे कुछ मसाले, जैसे कि टर्मरिक पाउडर भर के 1/2 टीस्पून, ताकि खिचड़ी में अच्छा सा कलर आ जाए। और उसके बाद डाल लेंगे टमाटर, हरी मिर्च, जो कि हरी मिर्च मैंने यहाँ पे 4 से 5 ली है। टमाटर 1 बड़े साइज का लिया है, और मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। और मैंने यहाँ पे कुछ दालें ली है, जैसे कि मूंग दाल, मसूर दाल, छिलका वाली मूंग दाल, और बिल्कुल जो बारीक वाला चावल जिसको हम किनकी बोलते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे ली है। और चने की दाल मैंने इसमें मिक्स कर ली है, यानी कि 5 से 6 चीज हमने मिक्स कर ली है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, जैसे कि 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून, इस तरह से मैंने इसमें मिक्स कर ली है। और मैंने इसे आधे घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, जिससे कि अच्छे से फूल चुकी है। और अच्छे से वॉश करके हमने इसमें डाल लिया है प्रेशर कुकर में। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल लूँगी दलिया, जो कि गेहूँ का है। तो बच्चों के लिए दलिया बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून दलिया की इसमें डाल रही हूँ। तो स्पून आप देख सकते हो थोड़ी बड़ी वाली है। तो दलिया हमने डाल लिया है, और मिक्स कर लेंगे सारे मिश्रण को। तो बस सब चीज़ जो भी मैंने इसमें डालनी थी वो सब डाल दी है। देखिए कितनी कलरफुल सी हमारी खिचड़ी लग रही है। तो अब हम इसमें कर लेंगे पानी ऐड। तो पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि हमें बिल्कुल चिकनी खिचड़ी बनानी है, क्योंकि हम छोटे बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अगर आप बड़ों के लिए बनाएं तो जैसे चावल रहते हैं उस टाइप की भी आप बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी पानी ऐड करके उसे थोड़ी चिकनी कर लूँगी। जैसे कि हम इसमें सीटी लेंगे 4 से 5 सीटी। तो मैंने इसे प्रेशर लगाने के लिए छोड़ दिया है, मिलते हैं 4 से 5 सीटी बाद। तो प्रेशर हमारा आ चुका है, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं कि अच्छी बनी है या नहीं। तो देखिए अच्छे से ये कुक हो चुकी है, बिल्कुल चिकनी जैसी हमको चाहिए थी वैसी हमें कंप्लीट ये बन के रेडी मिली है। तो ये बच्चों को आसानी से चप जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों के ज़्यादा दांत नहीं होते हैं, सामने सामने ही दांत रहते हैं, डाढ़ बिल्कुल भी नहीं होती है।
तो 1 साल के बेबी से लेकर आप 4 से 5 साल तक के बेबी को आराम से खिला सकते हो, और 4 से 5 साल के क्यों बड़े भी इसको खा सकते हैं। दुख बीमारी जैसे कि बुखार वगैरह में ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो खिचड़ी कम्प्लीटली बन के तैयार हो चुकी है। अब चाहो तो आप इस स्टेप पे 1 टेबल स्पून देसी घी ऊपर से ऐड कर सकते हो, जो जिससे और भी टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। तो डिश आउट के लिए मैं इसे निकाल रही हूँ एक बाउल में। तो देखिए कितनी प्यारी ये बन के तैयार हुई है, और कलर भी देखिए कितना प्यारा सा इसका है, बिल्कुल चिकनी तैयार हुई जैसे हमको चाहिए थी। अगर वीडियो आज की पसंद आई हो तो जल्दी से कर दीजिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली रिलेटिव एंड दोस्तों के साथ। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके वो भी मुझे बता दीजिए, मैं उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैं फिर मिलती हूँ एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, सी यू सून।